कि मैंने वाज़ेह निशानात के साथ बैनात के साथ अम्बिया को भेजा है और उनको आसमानी कुतुब से नवाजा है और तराजू यानी आदल और इंसाफ के नवाज से निज़ाम से भी नवाजा है के माशरे में इंसाब का बोल वाला हो हमारा ईमान है कि अल्लाह रब करीम ने कायनात को वजूद बख्शा है और कोई भी चीज खुद ब खुद पैदा नहीं हुई है एक छोटे से जरे से लेकर चाद और सूरज तक समंदरों और पहाड़ों तक जो कुछ भी है अल्लाह ताला ने पैदा किया है और अल्लाह ताला ने इस खूबसूरत कायनात को चलाने के लिए फिर एक खूबसूरत निजाम दी है और कायनात का हर जर्रा उस निजाम का ताबे है सूरज और चांद भी सजदरेज है सितारे और पौधे भी सजदरेज है वन व नज़म व शज़रो यश सितारे और दरख्त सजदे में हैं। या बड़े दरख्त और छोटे पौधे सब सजदे में हैं कोई भी चीज अल्लाह ताला के हुक्म से बगावत नहीं कर सकती हर चीज को अल्लाह ताला ने एक जाब्ता दिया है और कायनात का हर कतरा और हर जरा और हर पत्ता बारिश का भी हर कतरा और सूरज का हर खिरन उस निजाम के ताबे हैं और हम सब अल्लाह ताला की उस निदाम के उस निजाम के ताबे हैं जैसा उसने चाह पैदा किया और जब अल्लाह चाहता है हमको वापस बुलाता है कोई एक लम्हा के लिए न वकत से पहले जाता है न वक़त के बाद जाता है और इसी तरह अल्लाह रब करीम ने रिजक भी मुकर की है वो आपका रिजक आपका है ज्यादा हिरस और हसद की जरूरत नहीं है वो दाना जो इस पर आपका नाम लिखा गया है वो कतरा जो आपके लिए मुकर हुआ है वो आप जहां भी हो वो खुद आपका पीछा करेंगे और आप तक पहुंच जाएगा ये तमाम जिंदा चीजें अल्लाह ताला ने मा पानी से पैदा किया है वाहकुल्लबतिन में मा इन हर जिंदा चीज को अल्लाह ताला ने पानी से बनाया है। हैमिन होमयम अला बतनी कोई उनमें से पेट के बल रींगते हैं वमिन होमयम शिला रिजलेन और बाज उनमें से दो पाओं पर चलते हैं वमिन होमयम अला अरबा और बाज उनमें से, उन से चार पाओ पर चलते हैं इसकी तशरी की जरूरत नहीं है आप खुद देखते हैं दो पाओ वाले जानते हैं चार पाओ वाले भी जानते हैं जमीन पर रींगने वालों को भी जानते हैं और अल्लाह रब करीम ने इन तमाम जिंदा चीजों के जानदार चीजों के लिए रजक का इंतजाम किया है वो वंदाबतिन फिल्ला कोई जिंदा चीज ऐसी नहीं है जिसके लिए रिजक का इंतजाम अल्लाह ताला ने ना किया हो ये नहीं है कि पैदा तो उसने किया है और रिजक का इंतजाम किसी और के ज़िम्मे। लेकिन आज जो दुनिया में रिजक के खातिर लोग झूठ बोलते हैं एक दूसरे के माल पर कब्जा करते हैं एक दूसरे के वसायल पर कब्जा करते हैं इसी ने दुनिया में फसाद बरपा किया है कुरान में अल्लाह ने फरमाया है वहर अल फसाद पिल बर्र अल बहर बेमा का सबत आई दन्नास बहरुबर में जो फसाद है जगड़े हैं ये इनके अपने हाथों की वजह से है लेकिन अल्लाह रब करीम ने रिजक का एक मुनासिब इंतजाम किया है अगर कहीं मसला है तो वो इंसान के अपने जुल्म की वजह से है और वरना मछलियों के लिए दरियाओं में इंतजाम परिंदों के लिए हवाओं में इंतजाम एक चिविंटी के लिए भी मिट्टी के अंदर से अंदर के तहखाने तक अल्लाह ताला रिजक पहुंचाता है इसलिए कि अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम रजाक है लिहाजा रिजक के खातिर अल्लाह की बंदगी को छोड़ना और अपने जहन पर यह बात सवार करना कि अगर मैंने नमाज पर वक्त अदा की तो मेरी रिजक में कमी आएगी अगर मैंने दीन का यह काम अपनाया तो मेरी रिजक में कमी आएगी रिजक एक मुक्र करदा चीज है एक इंसान अपने घर मेहमान उतनी बुलाते हैं जितने उसके घर में ठहरने का इंतजाम हो जितना उसके घर में खाने का इंतजाम हो तो अल्लाह रब करीम भी बगैर किसी मंसूबे के लोगों को पैदा नहीं करता है और हर इंसान के लिए जिंदगी में जितने सांस उसने लेने हैं जितना पानी उसने पीना है यह मुक़रर शुद्धा है वाले वाल अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद होते हैं कि अगर मैंने उसके लिए कुछ जमा नहीं किया तो उसकी क्या बनेगा मेरे मरने के बाद हाल यह है कि जिस तरह बाप का हिस्सा मुकर है उसी तरह उनकी औलाद का हिस्सा मुकर है और बारहा हमने ऐसे देखा है कि एक बाप के मरने के बाद उस घर में रिजक के दरवाजे खुल जाते हैं और बारह हमने ऐसे देखा है कि एक बाप के मरने के बाद बेटों के लिए रिजक के बच्चों के लिए रिजक के दरवाजे तंग हो जाते हैं अल्लाह पर ईमान रखना चाहिए अल्लाह पर एतम करना चाहिए बच्चों के लिए रिजक के हलाल कमाना इबादत है लेकिन रिजक के खातिर बंदगी छोड़ना दीन का काम न करना नमाज छोड़ना रोजे चोड़ना रिजक के खातिर झूठ बोलना रिजक के खातिर रिश्वत लेना रिजक के खातिर दूसरों के माल और वसाइल पर कब्जा करना यह अपने मेहरबान रब पर अदम अहतमाद का ऐलान है जो लोग हलाल के बजाय हराम कमाते हैं उनकी जिंदगी में कभी भी सुरूर और सुकून नहीं होता है वो नए कपड़े बेशक पहनते हैं वो अलीशान कुकियों में रहते हैं वो बड़ी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं लेकिन इस कलब और इस दिल को जिस सुरूर और सुकून और इत्मीनान की जरूरत है वो उस बड़े भंगले में वो नहीं होता है उस नए कपड़ों में उसको नींद नहीं आती है अच्छा काना भी काले वो हजम नहीं होता है खूबसूरत बेडरूम पर सोए बेड पर सोए बेडरूम में दाखिल वहां नींद नहीं आती है इसलिए कि इतमान और सुरूर और सुकून अल्लाह ताला ने अपने बंदगी में रखा है मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों तला ने यह निजाम दिया है तो इस कायन के निजाम को और फिर इंसानी मुशरे में इस निजाम को चलाने के लिए अदल और इंसाफ पर एक मुबनी निजाम भी दिया है मसला वसाइल की कमी का नहीं है मसला वसाइल के गलत तकसीम का है मसल जुल्म का है कुरान का माशी फलसफा यही है कि के केला यकूना दूलतन बेन अग्निया इमिन कुम इस्लाम का माशी फलसफा यही है कि दौलत चन्हातों में जमा ना हो इस्लाम का माशी फलसफा यही है कि मालदारों से लिया जाए और गरीबों तक पहुंचाया जाए इस्लाम का माशी फलसफा यही है कि अगर जिसने कमाया है तो कमाने की सलाहियत अल्लाह ने दी है इसलिए उसको जक़ात देना चाहिए उसको सदका देना चाहिए उनको खैरात करना चाहिए उनको अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखना चाहिए उनको बेवाओं यतीमों और कमजोरों की कपालत करना चाहिए लेकिन जब दुनिया में इस्लाम का मुआशी निज़ाम नाफिज ना हुआ और सूद का निजाम चल पड़ा उसके नतीजे में दुनिया भर की दौलत चंद कंपनियों में जमा हो गई चंद हाथों में जमा हो गई और फिर सरमायादार करब सरमादार ने जालिम जागीरदार ने और बड़े बड़े कंपनियों के मालिकों ने सारी इंसानियत का खून चूसना शुरू किया। कियाकबाल ने फरमाया है उसने इशारा फरमाया है कि ख्वाजा नाने बंद मजदूर खुर्द इस जालिमाना निज़ाम में जालिम सरमायादार ने मजदूर के हिस्से का काना भी कहाया आबरू ये दुख मजदूर बुर्द और फिर मजदूर की बेटी की इज्जत को भी लूटा इकबाल फरमाता है कि चीज तो कुरआन ख्वाजा रहा मरग फिर कुरान का पैगाम किया है जालिम सरमादार के लिए मौत का पैगाम है दस्तगीर बंद और यही कुरान का निजाम और कुरान का माशी प्रोग्राम हर उस आदमी के लिए एक दस्तगीर है जिसके साथ अपना इंतजाम ना हो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों त्रिहत्तर साल पाकिस्तान के हो गए वर्ल्ड बैंक और आई के इशारों पर हमारा माशी निजाम तो बन गया और उस निजाम की वजह से कुछ लोग तो बहुत ज्यादा मालदार हो गए और कुछ नाने शबीना के मोहताज हो गए कुछ लोगों की कोटियां अपने शहर के अलावा हर शहर में कायम हो गए बरूनी मुल्क भी और एक तबका ऐसा है फुटपाथ तो पर रातें गुजारने पर मजबूर है एक दुनिया ऐसे ही ऐसा है जिनके साथ पहने के लिए कपड़े नहीं होते काने के लिए इंतजाम नहीं है पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कुत्ते भी उसी तरह फाइव स्टार लाइफ गुजारते हैं जिसका तस्वूर भी एक आम और गरीब आदमी नहीं कर सकता यह सूदी निजाम का समर है यह सूदी निजाम का नतीजा है इसलिए मुसलमानों पर वाजब है कि इस निजाम के खात्मे के लिए जदजहद करे और इस मुल्क में जितने हुकूमतें आई हैं और गई हैं हर हुकूमत ने आकर इस सूदी निजाम को मजीद मजबूत किया है इसलिए कि जो बैनवामी साहूकारी का निजाम है बैन अवी सूदी निजाम और उसका इस्टेब्लिशमेंट है वो हमारे मुल्क में इसी निजाम की पुष्प पर मौजूद है वर्ल्ड बैंक की सूरत में आई एम एफ की सूरत में कल भी जमात इस्लामी ने वफाकी शरी अदालत में सूद निजाम के खिलाफ केस दायर किया है और जब भी हम जाते हैं तो जज यही पूछते हैं कि आप मुतबाद लाएं मुतबादल तो मौजूद है अल्लाह का किताब मौजूद है और जब कुरान ने हुक्म दिया है कि सूद को खत्म करो और सूद करना अल्लाह और रसूल के साथ जंग है फिर आप कौन है कि मुझसे पूछते हैं कि जब तक आप मुतबाद निज़ाम मेरे सामने ना रखें मैं इस सूदी निजाम को ख़त्म नहीं करूंगा ये आयीन से भी बगावत है ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल से भी बगावत है मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों इसलिए जब तक पाकिस्तान में सूद निजाम मौजूद है पाकिस्तान माशी तरक्की नहीं कर सकता है कम अज कम चार वज़राए खजाने इस हुकूमत ने तब्दील किया है और बाहर की दुनिया से भी कई मशीरों को लाकर यहां कौम की कंधों पर बैठाया है हर वजीर खजाना ने और हर मशीरे खजाना ने पाकिस्तान की माशी मुश्किल में इजाफा किया जो भी बदबक आता है वो माशी निज़ाम को मजबूत करने की कोशिश करता है जो भी बदबक आता है उनका सिर्फ एक ही मतलब और मकसद होता है कि आई एम एफ को किस तरह खुश रखा जाए वर्ल्ड बैंक के तकाजों को किस तरह पूरा किया जाए ताकि हमें मज़ीद कर्जा मिले और जो वजीर ख़जाना कर्जा लेने में कामयाब हो जाता है वो खुशी का इजहार करता है कि जिस तरह उन्होंने कश्मीर पता की हो हुकूमत जश्न मनाती है खुशी का इजहार करती है लेकिन अल्लाह ताला का फैसला है कि वह मन आ रा जिक्री फिनशत का व नक्शर योम किया जिसने मेरी इस निजाम को छोड़ा उसको कभी भी माशी खुशहाली नसीब नहीं होगी वह मन जिक्री फिन लहु मिशत का तो उनकी मीशत कमजोर होगी वह नक्शर हो यौमल क्यामत आमा और क्यामत में अंधे उठाए जाएंगे और अल्लाह से ये लोग पूछेंगे कि वो हमारे आंखों का क्या हुआ हम तो दुनिया की जिंदगी में बीना थे आंके रखते थे अल्लाह फरमाएगा कि वहां आपने मेरा निजाम चोड़ा था आज मैंने आपको चोड़ा है तो अगर अल्लाह वहां आपको छोड़ ले और नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात से महरूम हो जाए और नबी मेहरबान वसल्लम के हाथों से जाम कौसर से महरूम हो जाए फिर कौन आपका साथ देगा फिर कौन आपकी शफात करेगा खुद ने भी मेहरबान है जिसने कुरान को चोड़ा था कुरान के निजाम को चोड़ा था इसलिए मेरे दोस्तों एक मुसलमान की से आप यकीन करें आपको ईमान होना चाहिए कि इस्लामी निजाम के अलावा आपके मुआषी मुश्किल हल नहीं हो सकते हैं आप वर्ल्ड बैंक और आई एम एफ के गुलामी से आजादी हासिल नहीं कर सकते हैं आप इंसाफ और अदल और मसावत का निजाम से मुस्त नहीं हो सकते हैं कुरान ने इसलिए आपको हुक्म दिया है या युहदीन का मुकम्मल इस्लाम में दाखिल हो जाओ तो मुकम्मल इस्लाम का मतलब यही है कि जिस तरह आप मस्जिद के अंदर खुदा की बंदगी करते हैं और अल्लाह के बताए उसूलों के मुताबिक नमाज अदा करते हैं तो उद खुलफिसल में काफा यही है कि अपने माशी निज़ाम को भी उसी निजाम के मुताबिक बनाया जाए मेरे दोस्तों इस्लाम का निज़ाम अदल का निज़ाम है आज आप देखिए हमारे मुल्क में जुलम है हमारे मुल्क में कमजोर को इंसाफ नहीं मिलता हमारे मुल्क में कमजोर की आवाज को कोई नहीं सुनता कल की बात है डेरा गादी खान में डाकू ने एक बेगुनाह मजदूर को पकड़ा उसके हाथ काटे हैं उसके कान काटे हैं उनकी जुबान काटी है और एक मुसलसल अमल है कल हमारे एक फ्लाइट में अंसार वासी ने कालम लिखा है कि एक बदबक जोड़े ने सवारियों के सामने वो शर्मनाक हरकत की कि लोगों ने एहतजाज किया वो मना नहीं हुए और कहा कि मेरा जिसम मेरी मर्जी इसमें आप लोगों का क्या दखल है और फिर जहाज के अमले ने मना किया फिर भी मना नहीं होए तो मजबूरी के आलम में जहाज के अमले ने कंबल लाकर उन पर डाला ये एक इस्लाम और ईमान के नाम पर बने हुई पाकिस्तान की बात है अगर गैर मुस्लिम भी हो तब भी उनको ये इजाजत नहीं है कि पाकिस्तान की हदूद में कोई ऐसा हरकत करे मैं ईरान गया था और ईरान में हमारे जहाज में और भी लोग बैठे थे खातन भी मौजूद थी लेकिन जैसे ही ईरान की हदूद में दाखिल हो गए तो खातीन ने अपने अपने से अपनी दुपट्टे और निकाल निकालकर अपने आप को बापर्दा बनाया हमने पूछा क्यों उन्होंने कहा कि दिल मानता या नहीं मानता है लेकिन हमने ईरान के कानून की पाबंदगी पाबंदी करनी है और जब हम वापस आ रहे थे तो उन्हीं खात ने और खतन थे उसी तरह बुर के अपने ऊपर डाले थे स्काफ पहना था लेकिन जब वो ईरान की हदूद से बाखिल, बाहर गए तो उन्होंने अपनी दुपट्टे अपने पर्स में रखे तो अगर आप गैर मुस्लिम भी है तो भी आपने इस निजाम की पाबंदी करनी है मुझे याद है जब मोहतरमा बेनजीर नज़ीर साहब ईरान गई थी तो उन्होंने उनके कानून के मुताबिक उनके लिबास को और उनके ड्रेस को और उनकी तरह को इस्तेमाल किया था लेकिन पाकिस्तान कैसा लावार इस मुल्क है हमारा भी एक निजाम हमारा भी एक कानून हमारा भी एक जब हयात मौजूद है लेकिन आज इस्लामाबाद में ये नारे हैं कि हमारी मर्जी और हमारा जिसम ये निजाम नहीं चलेगा करोड़ों लोगों ने कुर्बानी देकर पाकिस्तान बनाया था लाखों लोगों ने जाम शहादत नोश करके पाकिस्तान हमारे लिए बनाया था हमारे होते हुए हम पाकिस्तान को कभी भी एक सेकुलर और लिबरल मुल्क नहीं बनने देंगे मेरे भाइयों और मेरे दोस्तों जिस तरह हुक्मरान होते हैं लोगों में वही आम हो जाते हैं अगर हुक्मरान चोर हो तो चोरियों में इजाफा होता है अगर हुक्मरान बदअखलाक हो तो बद में इजाफा होता है अगर हुक्मरान करप्ट हो तो करप्शन में इजाफा होता है अन्नासो अला दीन मलुक हिम जिस तरह बादशाह होता है वही बीमारियां आम हो जाती है आज हुक्मरानों के अंदर यही बीमारियां है और चारों तरफ हमारी नई नस्ल में और हमारे मुल्क में वही बीमारियां आम हो जाती है मेरे भाइयों हम अदल की बात करते हैं हम इंसाब की बात करते हैं इस्लामी निजाम में एक मॉडल मौजूद है अबू बकर खलीफा बन गए तो उसने पहले खुतबे में फरमाया था कि वह ज़यीफी आप में से जो जईीफ और कमजोर है वो मेरे निगाह में ताकतवर है जब तक मैं उसका हक उसको ना दिला दूं और परमाया वस जहीपुन हिंदी और जो आप में ताकतवर है वो मेरे निगाह में बहुत कमजोर है जब तक मैं उससे मजलूम का हक न लू ये इस्लामी हुकूमत है ये आदल और इंसाफ की हुकूमत है नबी मेहरबान सल्लह एक सफर में थे हजरत उकबा बिन आमिर रजील ते नबी मेहरबान ने उनको हुक्म दिया कि ऊन पर सवार हो जाओ वो शर्माते थे कि कैसे मुमकिन है कि हजूर सल्लाम पैदल चले और मैं ऊन पर सवार हो जाऊं लेकिन उसने दूसरे मरतबा हुक्म दिया और फिर उनका हुक्म न मानना उसके लिए मुमकिन नहीं रहा वो ऊन पर सवार हो गए और नबी मेहरबान पैदल चल पड़े ये नबी मेहरबान की अता करदा हुकूमत है कि जब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह खलीफा बन गए तो एक लड़की ने उनसे पूछा कि आप तो हुक्मरान बन गए आप हमारे घर में आते थे और हमारी बकरियों से दूध धोकर हमें देते थे अब वो ड्यूटी कौन करेगा हजरत अबू बकर रजियाल्लामाया कि मेरी खिलाफत और मेरी हुकूमत मेरे लिए आपकी खिदमत में और आपके घर आकर आपकी बकरियों के दूध धोने में रुकावट नहीं बन सकती थी नहीं बन सकती है वो उसी तरह जाते थे वही काम करते थे हजरत रजियाल्ला जब फलस्तीन और जब यूशलम की चाबियां लेने के लिए गए तो आपके इलम में है कि बारी उनके गुलाम की थी और वो पैदल जा रहे थे और गुलाम ऊन पर बैठा था लोग अंदाजा नहीं कर पाए दूर से कि जो ऊन पर सवार है ये हुक्मरान है या ऊन की नकील पकड़ कर जो साथ साथ दौड़ रहे हैं यहू कमरान है लेकिन जब करीब पहुंचा तो मालूम हुआ कि जिसने ऊन का नकील पकड़ कर ऊन के साथ जा रहे थे वो अमीर उलमिन हजरत उमर अब खतवाब हो है और जो ऊन पर सवार थे वो उनके गुलाम थे और उनकी बारी थी मेरे प्यारे भाइयों और काबिल एहतराम बहनों हम क्या चाहते हैं हम इस मुल्क में इस्लामी हुकूमत चाहते हैं इस्लामी हुकूमत किया है जिसमें बंदा बंदे का गुलाम ना हो जिसमें एक बंदा दूसरे का मोहताज ना हो जिसमें एक बंदा दूसरे बंदे के घर के तवाब के लिए मजबूर ना हो अल्लाह की बात चाहिए हो ये नील अल्ला अल्लाह का निज़ाम गालिब हो अल्लाह का कलमा सर बुलंद हो गजल और इंसाफ हो लोगों के बंगली भी रोशन हो और लोगों की झूपड़िया भी रोशन हो बादशाह और नवाब और खाना खान वो के बेटों के लिए भी तालीम और इलाज का इंतजाम हो और गरीबों के बेटों के लिए भी तालीम और इलाज का इंतजाम हो त्रिहत्तर साल गुजर गए बेशुमार तजर्बात हमने किए हैं ये निजाम नहीं आया तो न मारशाला में इंसाफ मिला जर्नेलों की हुकूमतों में न इंसाफ मिला और न शरीयत के बगैर नाम नेहाद जमहूरियती जमहूरियत के नाम पर चलने वाली हुकूमतों में हमें इंसाफ मिला अल्लाह रब करीम ने फरमाया है कि मैंने इंसाफ कायम करने के लिए किताब से नवाजा है आपको और तराजू से नवाजा है मैं अहले पाकिस्तान से अपील करता हूं कि आप लोगों ने बड़े तजुबा किए हैं जर्नेलों को देखा ख़वानीन को देखा जागीरदारों को देखा सरमायादारों को देखा हर तरह के लोगों को देखा एक चांस इस मुल्क में इस्लामी निजाम को दे दे अगर ये बरसर एकतेदार तबका ये बरसर एक्तदार हुत शरीय नापिस करती हम साथ देते लेकिन तीन साल तो इस हुकूमत की भी हो गए इनका सफर और इनकी मंजिल भी पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम की तरफ और इस्लामी निज़ाम नहीं है और यही वजह है कि जो मसाइल पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग छोड़े थे इस हुकूमत ने उस मसाइल में इजाफा किया उन मुश्किलात में इजाफा किया और आज खुद हमारा स्टेट बैंक एतराब कर रहा है कि इस हुकूमत ने तीन सालों में जो कर्ज लिए पुरानी हुकूमतों का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा और हर हुकूमत यही कहती है कि उस वक़्त देखा जाएगा जब हशर का दिन आएगा बस अब कर्जा लेते रहो और जस्ट टू तो किल दाइम वक्त गुजारते रहो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों निज़ाम फेल हो गया है स्टेटस को अब नाकबिल बर्दाश्त है ये जो बड़ी जमाती इस वक्त अपने आप को दोबारा समझते हैं कि हमें मौका देना चाहिए गुजशत त्रिहत्तर साल इन जमातों ने जाया किया और मौजूदा हुकूमत भी उस स्टेटस को का एक तसलसल है इनका मुआशी निजाम एक है इनका तालीमी निजाम एक है इनके खारजी पॉलिसी एक है इनकी कश्मीर पॉलिसी एक है इनके साथ कोई नया निजाम नहीं है शक्लों में फर्क है लेकिन निजाम में कोई फर्क नहीं है इसलिए जमात इस्लामी पाकिस्तान निजाम की तब्दीली की बात करती है स्टेटस को तोड़ने की बात करती है अदल और इंसाफ की बात करती है यह निजाम तब आएगा जब लोगों में तलब हो जब लोगों को यकीन हो जाए કે મેરે તમામ દુખ ઓર dard કા ઇલાજ નબી મે હરબાન સલ્લલ્લાહ અલેસલમ કી ગુલામી મે હૈ ઓર ગુલામી અલપાસ કા નામ નહીં હૈ ગુલામી ઉસ નિظام કો અપને ઇનફિરાદી જિંદગી મે ઓર ઇજતમાઈ જિંદગી મે નાફિસ karne કા નામ હૈ મે આપ સે અપીલ કરતા હું હર ઘર પર دستक દેકર હર ઘર પર જાકર લોગો કી મિન્નત કરે लोगों को दावत दे दे लोगों के दरवाजों पर दस्तक दे दे कि पाकिस्तान बचाना है तो इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम लाना है तरक्की और इज्जत की तरफ जाना है तो इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम लाना है मेरे दोस्तों अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तायफ जाकर एक एक घर पर दस्तक देता है लहा हो जाते हैं तो हमें भी इस मुल्क के हर मुसलमान के घर पर जाकर हर पाकिस्तानी के घर जाकर दस्तक देना चाहिए कम अज कम इतमाम हज्जत करना चाहिए कम अज कम मेरे दिल में यह हसरत नहीं होनी चाहिए कि मैंने अपनी यूनियन कौंसिल में, में मैंने अपने जिले में मैंने अपने अड़ोस पड़ोस में लोगों पर इतमाम हज्जत नहीं की मेरे भाइयों आज का बहुत बड़ा मसला फलस्तीन का मसला है और आज का बहुत बड़ा मुश्किल इस वक्त फलस्तीनी मुसलमान मुश्किल से दो चार है आपको याद होगा कि मुबारक के, के आखिरी दिनों में पच्चीसवीं रमजान उन पर बमबारी शुरू हो गई और लोग लेलतुल कदर की तलाश में थे एहतिकाप में थे कि इसराइली फौज ने मस्जिद अक्सा में दाखिल होकर उन पर तशद किया मस्जिद के कालीन को आग लगाई मस्जिद का फर्श मुसलमान बच्चों और बच्चों के खून से खून आलूद हुआ तीन सौ से ज्यादा हमारे भाई और बहने शहीद हो गए साठ से ज्यादा हमारे बच्चे शहीद हो गए जमीन से बात करने वाले बुलंदों और बाला इमारतों पर सबसे ज्यादा अटैक किए गए और वो जमीन बूस हो गए हमारे बहुत सारे बहने और बाइया भाई और बच्चे और बच्चिया उन इमारत के मलबे तले दब गए मेरे दोस्तों मेरे भाइयों मैं इधर मंसूरा के मस्जिद में था यहां से हमने फलस्तीनी भाइयों से राबिता किया यहाँ से हमने पाकिस्तान के वजीर खारजा से रेत राब, किया यहाँ से हमने दुनिया भर की इस्लामी तहरीकों से रबता किया और हर मुसलमान को यही दावत दी कि ईमान का तकादा है इंसानियत का तकादा है कि हम फलस्तनी का साथ दे दे अर्द मुकदस मुसलमानों का है फलस्तान पर बारह सौ से ज्यादा बारह सौ सालों से ज्यादा मुसलमानों ने हुकूमत की है इस पाक सर को हजरत उमर रजियाल्ला ने ईसाइयों से आजाद की थी इस पाक सर को सलाहुद्दीन अयूबी ने आजाद की थी और सारी दुनिया के इस्तेमारी कवतों ने मिलकर इस जमीन पर कब्जा किया बर्तानिया के कहने पर साजिश पर सारी दुनिया के यहूदी यहां से उठाकर यहां लाए गए और आज उन्होंने हमारी जमीन पर कब्जा किया हमारे भाई शहीद हो रहे हैं हमारे बहने शहीद हो रहे हैं हमारे बच्चे कट रहे हैं हमारी मसाजिद जलाए जा रहे हैं हमारे घरों को जलाया जा रहा है लेकिन आलमी इस्लाम सो रहा है मुझे अफसोस है कि चौहत्तर लाख इस्लामी दुनिया के साथ इस वक्त फौज मौजूद है इसराइल के साथ सिर्फ सात लाख फौज है इसराइल के साथ जिन इस्लामी ममालिक का बॉर्डर लगा है ग्यारह करोड़ उनकी आबादी है इसराइल सिर्फ पौने करोड़ है मेरे प्यारे भाइयों पाकिस्तान सबसे बड़ा मुल्क है दुनिया में बड़ी ताकतों में शुमार है इटमी पावर है 160 सौ इटमी हथियार है इसराइल के साथ सिर्फ 60 इटमी हथियार है लेकिन इस सब कुछ के बावजूद हमारे भाइयों पर हमारे बहनों पर अरब फलस्तीन पर इस वक्त आग लगी है बारूद की बारिश हो रही है लोहे की हमारे तरफ देख रहे हैं जमात इस्लामी जो कुछ कर सकती थी हमने करने की कोशिश की मैं एक बार शुक्रिया अदा करता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपील पर इस्लामाबाद में तारीख का बड़ा मुजाहरा हुआ मैं अहली इस्लामाबाद का शुक्रिया अदा करता हूं मैं अहले कराची का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आलमी इस्लाम का सबसे बड़ा मुजाहरा अरेंज किया मैं सिविल सोसाइटी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इन मुजाहरों में शिरकत की और इन शाह तारीख का बहुत बड़ा मुजाहरा होगा तीस मई को पेशावर में और अहले पिशा और खैबर पुख्तनख्वा के गयूर और बहादुर आवाम जिन्होंने कश्मीर में कारनामा अंजाम दिया था जो उन्होंने रूसी उनकी शिकस्त में एक नमाया रोल अदा किया था इन वो तलस्तीन की पुकार पर 30 मई को लब्बैक कहते हुए वहां दीर से स्वाद से डेरा इसम खान से और बटग्राम और मानसेर और बटाबाद से और चतराल से लब्बैक लब्बैक लब्बेक कहते हुए ताला वो पेशावर पहुंचेंगे और हम वहाँ एक बार फिर पैगाम देंगे कि अगर आलमी इस्लाम की हुक्मरान सोए हैं लेकिन उम्मत जाग रही है मुसलमान जाग रहा है और आजमाइश के इस्लाम लमहे मैं हम फलस्तीनियों को तनहा नहीं छोड़ेंगे हम कश्मीरियों को तनहा नहीं छोड़ेंगे जिंदगी के आखिरी लम्हे तक और खून के आखिरी खतरे तक हम इनशाला फलस्तीन और एहले कश्मीर के साथ कड़े हैं हम डरने वाले नहीं हैं हम दबने वाले नहीं हैं हैं हम मैदान में कड़े अल्लाह हमारे साथ है आलम इस्लाम का है अल्लाह मुसलमानों का है मैं आखिरी बात करके इजाजत चाहूंगा कि मेरे प्यारे भाइयों गजा की तामीरी नाऊ के लिए और वहां मुसलमानों के साथ ताउन के लिए उनको मेडिकल फैसिलिटीज पहुंचाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक इंतजाम मौजूद है रास्ते मौजूद है इसलिए हमने अपने दोस्तों को तुर्की भी भेजा है और उनके साथ मिलकर एक ऑपरेशन इस वक्त हो भी रहा है उनके साथ ताउन का पहले मरहले में कोई दस करोड़ के मुताबिक अमाउंट वहां पर पहुंचाया गया है लेकिन हमने फैसला किया है आप लोगों के मशवरे से कि इकतीस मई को हम पूरे मुल्क में इमदाद फलस्तीन फंड के लिए जोली बर्दो मुहिम चलाएंगे कराची से लेकर चतराल तक हर गली और कूचे में हर बाजार में हर दुकान के सामने खड़े होकर हम फलस्तीन के लिए ताउन मांगेंगे अल्लाह का हुक्म यही है अल्लाह के रास्ते में हल्के हो या भूजल अल्लाह का हुक्म यही है कि माल और जान के साथ अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो इसलिए जान देने का वक्त आएगा तुम तो भी हम हाजिर है लेकिन इस वक्त आपकी आजमाइश है कि हम माली लिहाज से ताउन करें इसलिए आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि इसमें आप जमाती इस्लामी के कारकुन का इंतजार न इंतजार ना करें अपने गली अपनी कुचे अपने बाजार अपने मार्केट में अपनी स्कूल्स में अपने कॉलेजेस में अपने दफातर में अपने मसाजिद में अपने मदारस में जहां जहां भी है तो हमारी इस आवाज पर लबेक कहे कि आपने वहां झूली बर्दो मुहिम में हिस्सा लेकर ईमान के तकादों को पूरा करना है इन शाह तला आपका ये ताउन आपकी ये दौलत ये माल दौल जो आप खर्च करेंगे जमा करेंगे इन शह हम पूरी अमानत और दयानत के साथ आपके फलसतीनी बाइों तक पहुंचाने का अहतमाम करेंगे अल्लाह रब करीम हमारा हामी व नासर हो वह आखिर रबालमीन